फ्रेंड्स वेलकम एंड स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इलेक्ट्रॉनिक्स अपनों स्टार्ट कर रखी है और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लास्ट टाइम या लास्ट क्लास जो पीछे जा चुकी है उस क्लास में अपनों ने लास्ट टाइम पढ़ दिया था कि रेक्टिफायर क्या होता है, और उसमें अपनों ने पढ़ा था फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर या सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के जितने भी टाइप थे वो अपनों ने क्लियरली पढ़ दिया था। आज का जो अपना सेक्शन है यानी आज की जो क्लास अपनी रहने वाली है वो टाइप ऑफ डायोड के बारे में रहने वाली है कि कितने टाइप के डायोड हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किए जाते हैं, उन डायोड के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। डायोड के बारे में पढ़ने से पहले आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ डायोड। आज की जो क्लास है अपनी वो रहने वाली है टाइप ऑफ डायोड के बारे में आप लोग पढ़ेंगे आज। टाइप ऑफ डायोड कितने प्रकार के डायोड होते हैं, एक आपने सिंपल पढ़ दिया है जो कि कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया था पीएन डायोड। आज अपने डिफरेंट टाइप के जो डायोड होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो डायोड हैं कैसे वर्क करते हैं, किस काम में आते हैं, ठीक है, किस चीज़ के वो बने होते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज अपने बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला डायोड जो अपनों ने पढ़ा था टाइप ऑफ डायोड में, वो पहला डायोड अपने पास में था उसको बोलते हैं पीएन डायोड। जो पहला डायोड था आपके सामने वो पीएन डायोड था जिसको अपने पढ़ भी चुके हैं। पीएन डायोड जो होता है आपको जो दिखाई दे रहा है इसके कुछ फैक्ट्स हैं। फर्स्ट आप बात करते हैं अपने पीएन डायोड के बारे में और इसके फैक्ट्स जो हैं वो मैं लिख देता हूँ। पहला फैक्ट तो ये कि जो पीएन डायोड होता है आपको जो दिख रहा है ये पी व एन प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बना होता है। पी व एन प्रकार के अर्धचालक से बना होता है। पी एन प्रकार का जो अर्धचालक डायोड है वो किससे मिलकर बना होता है, पी व एन प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बना होता है। और आपका जो पी एन डायोड है इसका सिंबल जो होता है वो इस प्रकार से होता है। ये आपका सिंबल है जिसका ये एनोड भाग है और ये कौन सा भाग है, कैथोड भाग है। ये सिंबल है कौन से डायोड का, पी एन डायोड का। ये आपका सिंबल है जो आपके पास में पीएन डायोड है उसका सिंबल। उसके बाद अपने बात करते हैं कि पीएन डायोड का कार्य क्या होता है, तो यह है एसी को किस में चेंज करता है, डीसी में बदलता है। यह एसी को डीसी में बदलता है। उसके बाद में जो और याद रखना आपको बता चुका हूँ, मैं दोबारा से कम्प्लीटली बता देता हूँ, यह है केवल फॉरवर्ड बायस या इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर अग्र बायस, यानी कि ये डायोड केवल अग्र बायस में काम करता है। फॉरवर्ड बायस में ऑन होता है, यानी कि फॉरवर्ड बायस में ये काम करेगा और रिवर्स बायस में ये काम नहीं करेगा। किस डायोड की बात कर रहे हैं अपने, पीएन डायोड की बात कर रहे हैं। और पीएन डायोड जो होता है, पीएन डायोड जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें क्या होगा, उसमें ये जो डायोड है ये एक प्रकार के स्विच की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है, स्विच की भांति, यानी फॉरवर्ड बायस में ऑन स्विच की तरह काम करेगा और रिवर्स बायस में ये किसकी तरह काम करेगा, ऑफ स्विच की भांति काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं कि जो पीएन डायोड होगा ये केवल यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है ये केवल एक दिशीय है। कैसे युक्ति है, ये केवल एक दिशीय है। और अगर बात करें अपने सिलिकॉन डायोड की वोल्टेज ड्रॉप होगी वो 0.7 होती है। और जो आपके पास जर्मेनियम डायोड होता है, जर्मेन डायोड की वोल्टेज ड्रॉप अगर बायस में बात कर रहा हूँ मैं, वोल्टेज ड्रॉप होती है वो 0.3 वोल्ट होती है। ये अगर बायस की बात होती है, रिवर्स बायस में जो है ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो पाती है, अगर बायस में ही अपने काली बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में पीएन डायोड को मैंने आपको बताया था उसकी एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन की अगर बात करें पीएन डायोड की, तो पीएन डायोड पहला एप्लीकेशन है इसका डायोड रेक्टिफायर के रूप में। पहला एप्लीकेशन क्या है, डायोड रेक्टिफायर के रूप में। और दूसरा एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था क्लिपर के रूप में। किसके रूप में बताया था, क्लिपर के रूप में। एक मैंने आपको बताया था जो आपकी रिवर्स करंट प्रोटेक्शन है उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये कम्प्लीटली मैं बता चुका हूँ पहले पीएन डायोड क्या होता है। अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो आप पिछली क्लास में जाओ, पीछे की क्लास है, उस पीछे की क्लास में पीएन डायोड का कम्प्लीटली जो वर्क है वो दिया हुआ है। मैंने आपको कम्प्लीटली समझाया हुआ है कि पीएन डायोड कैसे काम करता है, कैसे उसकी करेक्टरिस्टिक होती हैं, पीएन डायोड का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आपको
नहीं मिल पा रहा है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इस क्लास का लिंक भी दिया है, तो आप वहां से इस क्लास को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको पीएन डायोड जो है वो क्लियरली समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब अपने नेक्स्ट दो नंबर जो डायोड आता है पीएन डायोड के बाद, उसकी बात करते हैं। दूसरा जो डायोड है पीएन डायोड के बाद, उसकी बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ डायोड में दूसरा डायोड है आपका, जिसका नाम है एलईडी। दो नंबर पे आता है जिसका नाम है एलईडी। एलईडी जो होता है इसका पूरा नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। इसका पूरा नाम क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। और इसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। हिंदी में इसको बोला जाएगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है, यानी कि एलईडी। एलईडी क्या होती है? सबसे पहले अपने बात करेंगे, एलईडी जो होता है, एलईडी यह क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा से प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। यानी कि एलईडी जो होगी ये एक प्रकार का डायोड है जो एसी को डीसी में नहीं बदलता। यह एक प्रकार का डायोड है, परंतु यह एसी को डीसी में नहीं बदलता। यह एसी को डीसी में परिवर्तित नहीं करता। यह एसी को डीसी में परिवर्तित नहीं करता। तो आप लोग जो हैं, अगर जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित नोट्स चाहिए, जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अगर आप साथ के साथ नोट कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम, हमारे ए क्लास स्टडी के टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप लोग जो हैं इसके यानी कि इसके जो पीडीएफ है जो नोट्स की वो डाउनलोड कर सकते हो। और पीडीएफ जो है उसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी, या इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के नाम से वो पीडीएफ है, और उस पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने एलईडी पर। एलईडी का अगर सिंबल देखें आप लोग, तो एलईडी का सिंबल कुछ इस प्रकार से होगा, जिसके जंक्शन से आपको क्या दिखाई देगा? प्रकाश दिखाई देगा, यानी कि दो एरो दिखाई देंगे जो कि प्रकाश को बताते हैं। एलईडी से यहाँ एनोड होगा और यहाँ कैथोड होगा। ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ये किसका सिंबल है? एलईडी का, लाइट इमिटिंग डायोड का ये सिंबल है। फिर अपने बात करते हैं कि जो एलईडी होगी, एलईडी के जंक्शन पर प्रकाश उत्सर्जक पदार्थ लाइट इमिटिंग मटेरियल होता है एक, या प्रकाश उत्सर्जक पदार्थ इसको कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड एग्जाम में भी पूछा हुआ है ये चीज़, आर्सेनाइड। और एक होता है गैलियम फास्फेट और एक होता है गैलियम आर्सेनोफास्फेट। ये पदार्थ होते हैं जिनका जंक्शन पर क्या किया जाता है? लेपन किया जाता है, यानी कि कोटिंग की जाती है। इसकी अगर कार्यप्रणाली की अपने बात करें तो जैसे ही आप लोग इसको फॉरवर्ड में रखोगे, याद रखना है इसको भी हमेशा किस में रखा जाता है? फॉरवर्ड में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एलईडी जो होती है, एलईडी केवल फॉरवर्ड बायस यानी कि अग्र बायस में कार्य करेगी, फॉरवर्ड बायस में कार्य करेगी। एलईडी जो आप पढ़ते हैं वो केवल फॉरवर्ड बायस में काम करेगी, रिवर्स बायस में आपकी एलईडी जो है वो कार्य नहीं करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए एलईडी को फॉरवर्ड यानी प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस आप लोग जोड़ोगे तो ही आपकी एलईडी प्रकाशित होगी, अन्यथा प्रकाशित नहीं होगी। एलईडी जो है आपको ये दिखाई दे रही है, कैसे काम करती है मैं बताता हूँ। देखो, एलईडी को अगर आप देखोगे तो आपको दिखने में कुछ इस प्रकार से होगी एलईडी।
इस प्रकार से एलईडी का होता है एक सिरा और एक सिरा ये होता है। जो बड़ा सिरा है उसको प्लस से और छोटा सिरा जो है उसको माइनस से शो किया जाता है। और एलईडी के अंदर जो आपका बड़ा सिरा है इस प्रकार से होगा, देखा होगा आप लोगों ने, और छोटा जो है वो इस प्रकार से होगा। ये दो टर्मिनल होते हैं एलईडी के। एलईडी जो है वो अगर मल्टी कलर है तो इसका अर्थ हो गया, मल्टी कलर का मतलब हो गया उसमें एक से अधिक पदार्थों की कोटिंग है। अगर आपकी एलईडी सिंपल एलईडी है यानी कि सिंगल कलर है तो उसमें आपको क्या मिलेगा, एक ही पदार्थ की कोटिंग मिलेगी। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एलईडी में किस प्रकार के अर्धचालक पदार्थ का यूज किया जाता है, तो गैलियम आर्सेनाइड का जो यूज है वो एलईडी में किया जाता है यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड में किया जाता है। देखो जैसे ही आप एलईडी को, ये आपकी एलईडी है, इसको आप फॉरवर्ड बायस पे रखेंगे प्लस और ये जोड़ेंगे माइनस। जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड बायस पे रखेंगे, एक छोटी सी बैटरी लगा दी है मैंने 2 वोल्ट की, तो आपकी एलईडी पर क्या होगा कि जो होल्स हैं यहाँ से कौन होंगे, होल्स होंगे, और यहाँ कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जैसे ही जंक्शन के पास जाएंगे तो जंक्शन पर ये किसके साथ टकराएंगे, गैलियम आर्सेनाइड के साथ टकराएंगे। तो यहाँ जंक्शन पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न होगा, प्रकाश, जो कि अपने को दिखाई देगा या तो रेड कलर में होता है या येलो कलर में होता है या ऑरेंज कलर में होता है, ठीक है। एलईडी मल्टी कलर भी आती है और सिंगल कलर भी आती है, वो डिपेंड करता है उसके जो जंक्शन है उस पर किस प्रकार का मटेरियल यूज किया गया है वो उस पर डिपेंड करता है, मल्टी कलर की अगर एलईडी है तो, ठीक है। तो अब अपनों ने लिख दिया कि एलईडी केवल किस बायस पे काम करेगी, फॉरवर्ड बायस में, यानी फॉरवर्ड बायस में अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये ऑन हो जाएगी, अगर आप फॉरवर्ड बायस में इसको नहीं जोड़ोगे यानी रिवर्स में जोड़ देते हो तो ये ऑन नहीं होगी, प्रकाशित नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, एलईडी जो होती है उसमें आप एक बात आपको याद रखनी है, एलईडी जो है वो एक वोल्टेज ड्रॉप करती है, यानी कि मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप एलईडी है, एलईडी की वोल्टता ड्रॉप, की वोल्टता ड्रॉप, वोल्टता ड्रॉप या वोल्टता पात कहते हैं कितने पर, तो ये याद रखना है आपको, एलईडी के द्वारा 20 मिली एम्पियर धारा पर एलईडी जो होगी उसकी कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो वो याद रखना है आपको, एलईडी जो है वो लाल रंग की होगी, लाल रंग यानी कि रेड कलर की अगर एलईडी है, अगर आपके पास में येलो यानी पीले नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर की एलईडी है, यदि आपके पास में पीले कलर की, यानी पीले का मतलब होता है येलो कलर की एलईडी है, यदि आपके पास में हरे यानी ग्रीन कलर की एलईडी है, लाल नारंगी पीला हरा, अगर ये 4 प्रकार की एलईडी आपके पास है तो सबसे कम वोल्टेज ड्रॉप 1.8 वोल्ट किसका होगा, लाल एलईडी का होगा, और कितने मिली एम्पियर धारा पर, 20 मिली एम्पियर धारा पर। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, 20 मिली एम्पियर धारा पर रेड एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो 1.8, 20 मिली एम्पियर धारा पर नारंगी का कितना होगा, तो 2.0 वोल्ट, अगर पीले का पूछे तो 2.1 वोल्ट, और मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप पूछे तो 2.2 वोल्ट, वो भी कौन सी का, ग्रीन कलर की एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज़्यादा होता है 20 मिली एम्पियर धारा पर। किसी एलईडी के द्वारा कम से कम कितनी धारा ली जाती है, 20 मिली एम्पियर धारा, और वोल्टेज जो है वो डिपेंड करती है उसके कलर के ऊपर, वोल्टेज किस पे करती है डिपेंड, उसके कलर पे, लाल है तो 1.8, नारंगी है तो 2.0, पीला है तो 2.1 और हरा है तो 2.2। ये एलईडी की वोल्टेज ड्रॉप अपने सामने आ गई। एक चीज़ आपको और भी याद रखनी है, एलईडी जो होती है, एलईडी जो आपको दिखाई दे रही है, ये वास्तव में एलईडी के साथ में, अगर एलईडी कम वोल्ट की, देखो एलईडी के साथ एक कार्बन प्रतिरोध का भी अपने यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कार्बन प्रतिरोध का। वो इसलिए यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यूज करो, इस पॉइंट में ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि यूज किया जाए, वो इसलिए यूज किया जाता है कार्बन प्रतिरोध, क्योंकि एलईडी की वोल्टेज ड्रॉप क्या होती है, कम होती है। अगर एक एलईडी है, जैसे मान लो 1.8 वोल्ट की एक एलईडी है, अगर आप उसको 1.8 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट दोगे तो वो एलईडी क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए उस एलईडी को उसकी रेटेड वोल्टता तक ही वोल्टता मिले, इसलिए उसकी सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दिया जाता है, एक कार्बन का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जो बीच में वोल्टेज ड्रॉप करके एलईडी को उतनी ही वोल्टेज देता है जितनी की उसको आवश्यकता है, ठीक है। अगर आप एलईडी की बात करें अपने, कि एलईडियों को अगर बहुत सारी एलईडियों को उच्च वोल्टता पर जोड़ना है तो एलईडियों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में, यानी मान लो आपके पास में 10 वोल्ट सप्लाई पर आपको एलईडियां जोड़नी है तो 10 वोल्ट सप्लाई पर 2 वोल्ट की आप 5 या 6 एलईडियां जोड़ सकते हो, उसका एक फॉर्मूला है, वो अपने बाद में देखेंगे। तो ये आपके पास क्लियर हो गया क्या, एलईडी। फिर अपने बात करते हैं एलईडी के उपयोग, अगर एलईडी के उपयोग या अनुप्रयोग की बात करें
कि एलईडी कहाँ कहाँ यूज की जाती है, अनुप्रयोग, तो सबसे पहले आपको पता है एलईडी कहाँ यूज की जाती है। एलईडी यूज की जाती है सजावटी कार्यों में। कहाँ यूज की जाती है? सजावटी कार्यों में। ज़्यादातर एलईडी का यूज जो है वो कहाँ पर होगा? सजावटी कार्यों में यूज होता है, या फिर किसी इंडिकेशन के लिए यूज होता है, चाहे वो रेड इंडिकेशन है चाहे वो ग्रीन इंडिकेशन है, वहाँ पर किसका यूज करते हैं? एलईडी का। और आजकल आज के समय में आप लोग लाइटिंग सिस्टम देख रहे हो मार्केट में, 2 वाट की, 10 वाट की, 12 वाट की, 15 वाट की, 20 वाट की एलईडियां जो है वो उपलब्ध हैं, क्योंकि एलईडी जो है उसकी पावर रेटिंग बहुत कम है, ये बहुत कम पावर कंज्यूम करती है और प्रकाश अपने को क्या देती है? ज़्यादा देती है। इसलिए आजकल के समय में जो लैंप अपने पहले यूज करते थे इनकैंडिसेंट लैंप, उनका यूज ना करके किसका यूज किया जा रहा है? एलईडीज का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास में एलईडी हुआ कंप्लीटली, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एलईडी के बारे में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, और ये विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह एसी को डीसी में नहीं बदलता, क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। इसका सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका सिंबल है। एलईडी के जंक्शन पर प्रकाश उत्सर्जक पदार्थ जैसे गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फेट या गैलियम आर्सेनोफास्फेट का लेपन किया जाता है। एलईडी जो होती है वो आपकी केवल फॉरवर्ड बायस में काम करेगी, रिवर्स बायस में काम नहीं करेगी। एलईडी 20 मिली एम्पियर धारा पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेगी? यदि रेड एलईडी है तो 1.8, यदि आपके पास ऑरेंज एलईडी है तो 2, अगर आपके पास येलो है तो आपकी 2.1, और अगर आपके पास ग्रीन एलईडी है तो कितनी आ जाएगी? 2.2। यानी मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप ग्रीन एलईडी की होती है और मिनिमम किसकी होती है? रेड एलईडी की। अगर बात करें सबसे ज़्यादा तरंग दे दे रहे, यानी कि आपकी वेवलेंथ जो ज़्यादा है वो किसकी है? रेड एलईडी की वेवलेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है, यानी रेड एलईडी का प्रकाश आपको दूर तक दिखाई देता है, ठीक है। उपयोग की बात करें तो आपको याद रखना है सजावटी कार्य, उसके अलावा इंडिकेशन के लिए एलईडीज का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी एलईडी क्या हुई? कंप्लीट हुई। अब एलईडी का विपरीत, एलईडी का जस्ट विपरीत एक और डिवाइस है जिसको बोलते हैं फोटोडायोड। क्या बोला जाता है? फोटोडायोड। अब अपने बात करेंगे फोटोडायोड की। पहली एलईडी कंप्लीट हुई है आपकी, अब अपने बात करेंगे फोटोडायोड, यानी एलईडी और फोटोडायोड दोनों में क्या फर्क है। देखो भाई, नेक्स्ट आपके पास है फोटोडायोड, ठीक है भाई। अब ये आपको दिख रहा है फोटोडायोड, ठीक है। फोटोडायोड जो होगा इसको अपने क्या कहते हैं? पहली चीज तो यह है एक प्रकाश, यह एक प्रकाश अवशोषित डायोड है। प्रकाश अवशोषित क्या है? डायोड है। यानी ये प्रकाश किरणों का अवशोषण करके क्या उत्पन्न करेगा? प्रकाश किरणों का अवशोषण करके ये उत्पन्न करेगा विद्युत ऊर्जा, समझ में आएगी। यानी प्रकाश से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा उत्पन्न करता है। सोलर सेल में फोटोडायोड ही लगे होते हैं, आपको ध्यान होगा। तो ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा से क्या उत्पन्न करता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसलिए इसका यूज आपको ध्यान में होगा, सोलर सेल के रूप में इसका यूज करते हैं। सोलर सेल जो होते हैं उनको चार्ज करने के लिए फोटोडायोड का ही यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट अपने पास है इसके जंक्शन पर प्रकाश सुग्राही पदार्थ सोडियम सिलिकेट या कैडमियम टंगस्टेट आदि का क्या किया जाता है? लेपन किया जाता है। देखो एलईडी में क्या था? एलईडी में लेपन किया जाता था प्रकाश उत्सर्जक पदार्थ का, जो प्रकाश देगा अपने को। अब ये यहाँ पर जो प्रकाश यूज किया जा रहा है वो प्रकाश अवशोषी पदार्थ, यानी कि सुग्राही पदार्थ, जैसे कि सोडियम सिलिकेट या कैडमियम टंगस्टेट का यूज करता है। काम कैसे करता है ये डायोड? अगर आप इसको देखेंगे, दिखने में इसकी संरचना बिल्कुल किसके जैसी होती है? एलईडी के जैसी होती है। बस इतना है कि एलईडी प्रकाश उत्पन्न करती है और ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, ठीक है। यानी प्रकाश के बदलने से, ये अपने कह सकते हैं प्रकाश की तीव्रता से इसका प्रतिरोध परिवर्तित होता है
प्रकाश की तीव्रता से इसका प्रतिरोध क्या होता है, परिवर्तित होता है, इसलिए इसको अपने ये बोल सकते हैं कि ये LDR के जैसे काम करता है। किसके जैसे काम करता है? LDR। LDR होता है एक लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, वो रजिस्टर होता है लेकिन ये डायोड है। रजिस्टर का काम क्या होता है? प्रतिरोध उत्पन्न करना, किसके मार्ग में? धारा के मार्ग में। तो प्रकाश ज़्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, प्रकाश कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। AGTG ये भी ऐसे व्यवहार करता है, प्रकाश की तीव्रता घटने बढ़ने से इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? चेंज होता है। अगर इसके सिंबल की बात करें अपने, किसकी बात करें? अगर इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल इसका होगा जैसा आपने LED का सिंबल बनाया था उससे थोड़ा सा अलग, इस प्रकार से। ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल आपको किसका दिखेगा? ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। ये जो सिंबल होता है ये LDR का होता है, यानी LDR पर जो प्रकाश किरणें हैं वो तल पे आके गिरती है, इसलिए इसका सिंबल LED से जस्ट उल्टा, इसका सिंबल जो है वो LED से क्या होगा? जस्ट उल्टा होता है। तो ये कह सकते हैं अपनी LED से उल्टा व्यवहार करता है कौन? फोटो डायोड। इसको इंटरप्टेड रजिस्टर IR भी कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स भाषा के अंदर, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है फोटो डायोड ये फर्स्ट बायस में काम करता है। किस में काम करता है? फर्स्ट बायस, यानी कि फर्स्ट बायस का अर्थ हो गया ये केवल रिवर्स बायस में काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में काम नहीं करेगा, इसको उल्टा जोड़ना पड़ता है। और अगर इसकी बात करें एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग कहाँ यूज किया जाता है, तो अनुप्रयोग में सबसे पहला आपने देखा होगा TV रिमोट, टीवी रिमोट में, या सेंसर सर्किट में सेंसर होते हैं आपने देखा होगा, या फिर फोटो सेल के अंदर किसका यूज किया जाता है? फोटो डायोड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो फोटो डायोड है ये एक प्रकार का ऐसा डायोड है जो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, और फोटो डायोड जो है इसके जंक्शन पर प्रकाश सुग्राही पदार्थ जैसे कैडमियम सिलिकेट या कैडमियम टंगस्टेट का लेपन किया जाता है, जो क्या करेगा, यानी कि इसके जंक्शन पर जैसे ही प्रकाश किरणें पड़ेंगी इसका जंक्शन का प्रतिरोध कम हो जाएगा, और जंक्शन का प्रतिरोध कम होते ही जो आयन है यानी कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंक्शन को पार करके फ्लो करना क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। जब फ्लो करना शुरू कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, इसीलिए अपने इसको कहते हैं कि प्रकाश के तीव्रता बढ़ने पर इसका प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? उत्पन्न कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं ये प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसको हमेशा रिवर्स बायस में यूज किया जाता है, और अनुप्रयोग TV रिमोट में या जो आपके रिमोट कंट्रोल जितने भी होते हैं उनमें क्या लगा होता है? उनमें लगा होता है फोटो डायोड। इसके अलावा सेंसर सर्किट आजकल बहुत जगह पर यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। बहुत से अगर आपको एग्जांपल की बात करें तो सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ऑटोमेटिक जो डोर होते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक डोर का मतलब जब कोई व्यक्ति आए तो डोर खुल जाए और व्यक्ति जाए तो बंद हो जाए, ऐसी बहुत सी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसमें कौन सा किसका यूज किया जाता है, जिसमें फोटो डायोड का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है अपने सामने फोटो सेल, यानी कि आजकल सोलर सेल का नाम आपने सुना होगा, सोलर प्लेटें आपने देखी होगी, उनके अंदर सोलर सेल के अंदर जो लगे होते हैं वो फोटो डायोड्स होते हैं, जो क्या करते हैं? प्रकाश से DC विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, प्रकाश से क्या करते हैं? DC। और ये भी आप याद रखेंगे कि फोटो डायोड कौन सी विद्युत ऊर्जा बनाता है, तो वो DC विद्युत ऊर्जा बनाता है, जिससे बैटरीज को चार्ज करके उसको क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपकी DC जो है वो स्टोरेबल वोल्टेज होती है। समझ में आ गई बात? ये तो ये आपके सामने हो गया, दो उन्होंने डायोड पढ़ दिए, पहला डायोड आपने पढ़ दिया है LED, और दूसरा जो डायोड है वो आपने पढ़ दिया है फोटो डायोड। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स काम करते हैं, यानी LED और फोटो डायोड दोनों एक दूसरे के रिवर्स काम करते हैं। अब मैं कुछ डायोड के नाम लिख देता हूँ जिनके बारे में अपने आज नहीं पढ़ पाएंगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कल उनके बारे में पढ़ेंगे नाम, और उनके थोड़े सिंबल बना देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को क्लियरली कंप्लीट हो जाए कि इतने प्रकार के डायोड अपने पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले आपने आज जो पढ़ा वो था PN डायोड, ठीक है। सेकेंडली आपने पढ़ा LED, इसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या नाम होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं इसको। फिर आपने पढ़ा थर्ड फोटो डायोड। फिर अपनों ने इसको बोलते हैं वेरिएक्टर डायोड, या इसको एक और बोलते हैं
वेरी कैप डायोड, क्या बोलते हैं, वेरी कैप डायोड। आगे इसको देखेंगे ये कैसे काम करता है। फिर अपने पास आता है एक और डायोड, टनल डायोड। टनल डायोड, टनल डायोड को कहते हैं इसाकी, इसाकी डायोड, क्योंकि इसको लियो इसाकी ने खोजा था सबसे पहले, इसलिए इसको साकी डायोड बोलते हैं। फिर अपने पास में आएगा एक और डायोड जिसका नाम होता है शॉटकी, शॉटकी डायोड। कौन सा डायोड, शॉटकी डायोड। ये कुछ सिंबल मैंने बनाए हैं। फिर एक और नाम आता है जेनर डायोड, क्या नाम आता है, जेनर डायोड, जेनर डायोड। तो ये आपके सामने कुछ डायोड मैंने लिखे हैं, इनके सिंबल मैं बना देता हूँ, बाद में इनको आगे वाली क्लासों में अपने कम्प्लीटली पढ़ देंगे। सबसे पहले जो है वो आपके पास है पीएन डायोड। पीएन डायोड का सिंबल बिल्कुल आसान होता है दिखने में, आप लोगों को ऐसा दिखता है पीएन डायोड, ये बिल्कुल ऐसे, ये पीएन डायोड है, ये एनोड भाग है, ये कैथोड भाग है, ठीक है, ये आपका एनोड, ये हो गया आपका पीएन डायोड। नेक्स्ट है एलईडी। अगर एलईडी को आप देखोगे तो एलईडी आपको दिखने में इस प्रकार से दिखेगी, ये जंक्शन से आपको प्रकाश किरणें जाती हुई दिखाई देगी, ये आपकी एलईडी है। ये सिंबल जो है किसका है, एलईडी का है, एनोड भाग, कैथोड भाग। थर्ड आपके पास है फोटोडायोड। अगर फोटोडायोड का सिंबल देखें अपने तो बिल्कुल एलईडी से उल्टा, बिल्कुल एलईडी से क्या होगा, उल्टा इस प्रकार से। तो ये आपके पास में फोटोडायोड का सिंबल हो गया एलईडी से जस्ट उल्टा, ये फोटोडायोड हो गया। नेक्स्ट आपके पास होता है वेरी कैप डायोड या वेरिएक्टर डायोड इसको बोलते हैं। तो ये जो डायोड होगा इसमें एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है, इस प्रकार से वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है, इसलिए इसको वेरी कैप या वेरिएक्टर डायोड बोलते हैं। एनोड और ये उसका हो गया कैथोड, कैथोड को सी से भी शो करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फिर है टनल डायोड। टनल को इंग्लिश में टनल बोलते हैं, हिंदी में सुरंग डायोड बोलते हैं या इसाकी डायोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये टनल डायोड जो है ये वेरी फास्ट ऑपरेशन होता है और नेगेटिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत पे ये काम करता है। इसका सिंबल दिखने में कुछ इस प्रकार से होगा, ये जो डायोड है आपके सामने एनोड और ये कैथोड, ये कौन सा है डायोड है, टनल डायोड, ये कौन सा है, टनल, ठीक है। फिर आपके सामने है शॉटकी डायोड जिसको बोलते हैं शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड का सिंबल जो होता है, देखो टनल और शॉटकी का सिंबल दिखने में थोड़ा सा ही अलग होता है, इस प्रकार से ये सिंबल होता है, ये देखो ऐसे, ठीक है। ये जो है आपके पास में ये शॉटकी डायोड का सिंबल है और ऊपर वाला जो है वो टनल डायोड का सिंबल है, एनोड और कैथोड, दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। ये शॉटकी डायोड का सिंबल है, देखो ये इस प्रकार से सिंबल होता है, एग्जाम में सिंबल भी बहुत पूछे जाते हैं। और लास्ट है जेनर डायोड। जेनर डायोड का सिंबल है इस प्रकार से, अगर आप याद रखना चाहो तो जेनर डायोड, टनल डायोड और शॉटकी डायोड के सिंबल लगभग दिखने में एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है खाली। ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये जेनर डायोड का है, तो ये एनोड भाग हो गया और ये कौन सा हो गया, कैथोड भाग। ये आपके पास में टाइप ऑफ डायोड है, ठीक है। पहला डायोड है पीएन डायोड, सिंबल आपके सामने है। दूसरा है लाइट इमिटिंग डायोड, सिंबल आपके सामने है। तीसरा है फोटो डायोड, सिंबल आपके सामने है। चौथा है वेरिएक्टर डायोड, उसका सिंबल भी आपके सामने है। पांचवा है टनल डायोड, उसका सिंबल भी आपके सामने है। छठा है शॉटकी डायोड, उसका सिंबल भी आपके सामने है। और फिर सातवां है आपके सामने कौन सा, जेनर डायोड, उसका सिंबल भी आपके सामने है, ठीक है। फर्स्ट आपने पीएन डायोड पढ़ दिया है, सेकेंडली अपने आज एलईडी को भी पढ़ दिया और फोटो डायोड की पढ़ दिया। अब आपके चार डायोड रह जाते हैं, उसको अपने अगली क्लास में कंप्लीट पढ़ देंगे, जो कौन सा है, वेरिएक्टर या वेरिकैप डायोड, टनल डायोड, सुरंग डायोड या इसाकी डायोड, शॉटकी डायोड या मेटल, इसको मेटल बैरियर डायोड भी बोलते हैं, और जेनर डायोड, ठीक है। जेनर डायोड जो होता है इसको अपने थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जेनर डायोड पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। आज के समय में जेनर डायोड काफ़ी यूज किया जा रहा है, जो कि वोल्टेज रेगुलेशन एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये आपके डायोड हैं, आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जुड़ने के लिए कहिए, ताकि हमें भी थोड़ा हौसला मिले और आप लोगों को नॉलेज मिले। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।